मध्य प्रदेश बीजेपी की 57 प्रत्याशियों की चौथी लिस्ट घोषित हो चुकी है, जिसमें भोपाल के दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से किसी प्रत्याशी का नाम अभी तक घोषित नहीं किया गया है। मृदुभाषी ने पूर्व गृह राज्य मंत्री और इसी सीट से दो बार विधायक का चुनाव जीत चुके उमा शंकर गुप्ता से बातचीत की। सुनिए उन्होंने इस बारे में क्या कहा। नमस्कार, इस वक्त हमारे सामने मौजूद हैं उमा शंकर जी गुप्ता जी। आप पूर्व महापौर रह चुके हैं, पूर्व गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं, दक्षिण पश्चिम सीट से दो बार चुनाव भी लड़ चुके हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे, दक्षिण पश्चिम की जो सीट है, जैसे कि बीजेपी ने कल 57 लोगों की सूची घोषित की है, सभी सीटों के उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए गए हैं, दक्षिण पश्चिम में इतनी देरी क्यों की जा रही है? देखिए, अभी 96 सीटें ऐसी हैं जहाँ घोषणा होना बाकी है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले 79 उन सीटों को घोषित किया जो हमारी दृष्टि से कमजोर सीटें मानते थे। कल सिटिंग MLH की और मंत्रियों की सूची जारी की है, बाकी 20 सीटों पर विचार चल रहा है और पार्टी जल्दी फैसला लेगी। और हम बहुत, आप देखेंगे तो टिकट घोषणा करने में इस बार पहली बार भारतीय जनता पार्टी एक नया प्रयोग किया और बहुत पहले हमने टिकट घोषित किया। सर, पैमाने की अगर मैं बात करूं तो किस तरह का पैमाना आके की पार्टी दक्षिण पश्चिम के लिए कुछ युवा चेहरे की खोज कर रही है? कि शायद ये बातें बताना तो ठीक नहीं होगा पार्टी के। अनुमानित प्रश्न है मेरा। नहीं, पार्टी कोई भी पार्टी है जीत सकने की संभावना के आधार पर टिकट देती है, और अभी तक पार्टी ने जो टिकट दिए हैं वो इसी आधार पर दिए हैं। कोई भी राजनीतिक दल जनता के बीच में जब जाता है तो वो उन संभावनाओं को देख सकता है कि कौन सा उम्मीदवार पार्टी को जीत दिला सकता है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मतदान 17 नवंबर को होंगे, जिसके नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। भोपाल से मृदुभाषी के लिए रश्मि जैन की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।